तो ओके गाइस, एक लंबे से ड्राइव के बाद अभी हम पहुंच चुके हैं अबू धाबी से। तो बेसिकली मैं यहाँ पे आया हूँ मस्जिद के लिए, तो हम देखते हैं ग्रैंड मॉस्क, देन वी विल गो बैक टू दुबई। तो अभी कुछ सिटी के ग्लिम्प्स और फिर चलते हैं मस्जिद। जी अभी हमें यहाँ पे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली है इस भाई ने दी, कि अगर तो हमने शेख साइड मॉस्क जाना तो यहाँ से बस भी जाती है, टैक्सी भी जाएगी। बस पे मेरे ख्याल में कन्वीनियंट रहेगा और वहाँ से हम वापस आएंगे बस पे ही, और फिर यहाँ से टैक्सी या फिर जो सिटी टू सिटी बस होती है उस पे जाके दुबई वापस। तो देखते हैं, अगर बस मिल गई तो बस पे जाता हूँ शेख जायद मॉस्क, वरना फिर टैक्सी ही लेनी पड़ेगी और फिर वापसी पे हम दोबारा से देखते हैं कि क्या होगा। ओके गाइस, तो अभी हम निकल रहे हैं मस्जिद की तरफ। ये भाई है हमारे साथ ड्राइवर, और वैसे बस स्टॉप पे थे लेकिन अभी बस का हमें रूट पता नहीं कि कौन सी बस जाती है इस तरफ। तो एक शेयरिंग टैक्सी है जिसमें कितने पैसे लगते हैं? यहाँ से 20 दिरहम, यहाँ से लगेंगे 20 दिरहम। ये बस स्टॉप है, इस बस स्टॉप का क्या नाम? मेरे को मालूम नहीं, वो उधर छोड़ा। बहरहाल जो भी, जिस बस में हम शारजा से आए हैं यहाँ पे, आप वहाँ से बाहर आएंगे तो काफ़ी सारी टैक्सीज भी हैं और इस तरह की प्राइवेट टैक्सी भी मिल जाएगी आपको और बसेस भी मिल जाएंगी। लेकिन पहले से अपनी तैयारी करके हैं, क्योंकि मेरे पास एक तो नेट भी नहीं है, दूसरा मुझे पता नहीं है कौन सी बस जाती है। तो प्राइवेट टैक्सी भी 20 दिरहम में इतना कोई महंगा नहीं है। तो देखते हैं अभी अबू धाबी और शेख जायद मॉस्क। ओके गाइस, तो ये है मॉस्क, शेख जायद मॉस्क, और वर्ल्ड्स थर्ड बिगेस्ट मॉस्क। तो लें जी, अभी हम मस्जिद के बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं। जो प्राइवेट टैक्सी वाला था वो बस जान छुड़ाने की कोशिश कर रहा था कि बस ये मस्जिद नज़र आ गई है, इसको यहीं पे उतर जाओ। पहले किसी और गेट के पास था, अभी किसी और गेट के पास उतर, लेकिन ये गेट पब्लिक एंट्रेंस के लिए नहीं है। तो एक और सबक है कि ऐसे प्राइवेट टैक्सी वालों से बच के रहें, और अगर आप बस पे आएंगे तो उस पर 2 या 3 दिरहम लगेंगे। इसने लिए हैं तकरीबन 20 दिरहम। तो आपने जो है पैसे ज़ाया नहीं करने, क्योंकि बहुत करीब है। जो मैंने देखा तकरीबन जो है ना 5-10 मिनट में वहाँ से बस स्टेशन से इधर पहुँच सकते हैं। और यहाँ पर भी हमने देखना है कि एंट्रेंस कहाँ से हमें मिलेगी। One eternity later. ओके जी, फाइनली वी हैव फाउंड द एंट्रेंस। ये दाखिल होने का रास्ता है। ये दुनिया की तीसरी बड़ी मस्जिद है, शेख जायद मॉस्क अबू धाबी। तो इंशाल्लाह अभी हम इसका विज़िट करेंगे और साथ इधर इफ्तार भी करेंगे। आज आखिरी रमज़ान है, कल ईद है, तो इंशाल्लाह आखिरी रमज़ान हम शेख जायद मॉस्क में इफ्तार करते हैं और नमाज़ वगैरह अदा करते हैं।
माशाल्लाह काफ़ी बड़ी मॉस्क है और बहुत खूबसूरत बनाया। तो चल के देखते हैं अंदर इंटीरियर कैसा है। एक्सटीरियर तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है। यहाँ पे अंदर बस स्टॉप भी है, आई थिंक यही बस आती है यहाँ पे, और जाते हुए हम इंशाल्लाह बस पे ही जाएंगे क्योंकि आते हुए तो 20 दिरहम गए। ओके सो यहाँ पर फेंसिंग हुई हुई है और इससे आगे आई थिंक के जाने की ज़रूरत नहीं है। पता नहीं किस तरह से जाना अंदर, मैं वो भी पूछता हूँ किसी से, लेकिन लुक एट द मॉस्क, वेरी ब्यूटीफुल। أشهد أن محمد رسول الله.